तो गाइस नए वीडियो के साथ मैं तैयार हूँ। इस वीडियो में ब्लॉक शेयर फिलियर लेके आया हूँ आपके लिए। पिछले वीडियो में क्लियरली नहीं हो पाया था, वीडियो बहुत लंबी हो जाती, इसलिए मैंने सोचा नई वीडियो बना दूँ। तो आज हम देखते हैं ब्लॉक शेयर फिलियर। कहीं पे भी स्किप मत करना, वहाँ पे आप मिस कर जाओगे चीज़ को। तो ठीक है, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो मैंने वीडियो छोटी, मैंने इसके लिए पहले से बना के रख रखे हैं डायग्राम। तो हम देखते हैं कि ब्लॉक शेयर फेलियर एक टेंशन फेलियर टेंशन में ही देखने को मिलता है। तो इसमें होता क्या है, जब हम टेंशन लगाते हैं इस कनेक्शन पे, तो हो सकता है कि एक छोटा सा पोर्शन जो कि ब्लॉक की तरह दिख रहा है आपको, ये प्लेट में ही स्टक रह जाए। देख सकते हैं आप, ये नीचे की साइड में, इसमें मैंने डॉटेड लाइन से शो किया है, नीचे की साइड में गसेट प्लेट का पार्ट इसमें अटका हुआ रह गया है। मतलब कि यहाँ से देखिए, इसमें नीचे पे तो एक तरीके का ब्लॉक जो है, अगर लगा रह जाए तो उसको ब्लॉक शेयर फेलियर कहते हैं। इस केस में देख सकते हैं आप कि प्लेट की स्ट्रेंथ कम थी गसेट प्लेट से, तो फिर प्लेट का पोर्शन इसमें स्टक रह गया, इसमें मिडिल पोर्शन, इसमें साइड वाला पोर्शन, इसमें गसेट प्लेट की स्ट्रेंथ कम हो गई, जिसकी वजह से गसेट प्लेट का पोर्शन जो है कट के निकल के ब्लॉक की तरह प्लेट पर लगा रह गया। तो इसमें आप क्लियरली देख सकते हैं कि इस पोर्शन पे इसमें शेयर लगेगा और इस पोर्शन में इसमें टेंशन लगेगा। वो आप हर केस में देख सकते हैं, इसमें यहाँ पे शेयर होगा, यहाँ पे टेंशन होगा, यहाँ पे शेयर होगा, यहाँ पे टेंशन होगा। कोई सा भी केस ले लीजिए, सब में ऐसा ही है। यहाँ तो इसमें हमें डिज़ाइनिंग एज पर यह देखना है कि एक प्लेन में शेयर है, एक प्लेन में टेंशन है। अब एक प्लेन में शेयर है, एक प्लेन में टेंशन है, तो इसमें भी दो पॉसिबिलिटी हो सकती है कि शेयर में या तो यील्ड हो जाए, या तो शेयर में फ्रैक्चर हो जाए, या फिर टेंशन में यील्ड हो रहा हो, टेंशन में फ्रैक्चर हो रहा हो। तो इसमें हम दो केसेस लेते हैं। पहला केस होता है हमारा कि जैसे हम मान लेते हैं प्लेन वन जो है हमारा, अस्यूम कर लेते हैं प्लेन ए जो है हमारा वो शेयर में है, ठीक है, एज एन अजम्पशन ले रहे हैं हम। प्लेन बी जो है हमारा वो टेंशन में है। जैसे मैं शो कर देता हूँ, ये प्लेन ए है, ये प्लेन बी है, ये शेयर में है, ये टेंशन में है, ठीक है। परपेंडिकुलर लोड लग रहा है इस पर, ये टेंशन में है और ये शेयर में है, क्योंकि इसमें पैरेलल लग रहा है लोड, ठीक है। तो शेयर में पॉसिबल, तो इसमें दो केसेस आराम से बनते हैं। जैसे कि प्लेन ए में हो रही हो यील्डिंग और प्लेन बी में हो रही हो फ्रैक्चर, ठीक है। और दूसरा केस ये बनता है कि प्लेन ए में हो रहा हो फ्रैक्चर और प्लेन बी में हो रही हो यील्डिंग। बहुत सिंपल सा कनेक्शन है, एक बार मैं आपको बना के दिखा देता हूँ, दूसरा आप खुद ही बना दोगे, मेरी ज़रूरत नहीं पड़ेगी आपको। तो मैं आपको बता के दिखाता हूँ कि ब्लॉक शेयर स्ट्रेस, मतलब ब्लॉक शेयर स्ट्रेंथ जो होती है, जो कि टेंसाइल लोड होता है, कि मैक्सिमम कितना टेंसाइल लोड हम लगा सकते हैं। तो उसके लिए हम क्या देखेंगे, पहले प्लेन में, मतलब कि शेयर वाले प्लेन में यील्डिंग होती है। अब आपको मैंने लास्ट वीडियो में बता ही दिया था कि ग्रॉस एरिया में यील्डिंग होगी और नेट एरिया में फ्रैक्चर होगा। इसके लिए मैंने लास्ट वीडियो बनाई थी, अगर किसी को दिक्कत हो इस टॉपिक में कि ग्रॉस एरिया में क्यों यील्डिंग होती है और नेट एरिया में क्यों फ्रैक्चर होता है, तो लास्ट वीडियो ज़रूर देखना आप, मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, कोई दिक्कत नहीं। तो हम देखते हैं ब्लॉक शीयर स्ट्रेस, मतलब ब्लॉक शीयर स्ट्रेंथ कितनी आएगी, मतलब टेंसाइल लोड कितना ले सकता है ये पूरा कनेक्शन। तो उसमें देखते हैं, चलो। सो टी इज इक्वल टू ए वी जी, मतलब ए वी मतलब कि शेयर वाले प्लेन और ए टी होते हैं अपने टेंशन वाले प्लेन, तो ए वी जी मतलब क्रॉस एरिया। अब क्रॉस एरिया तो यील्डिंग होगी, तो लोड क्या होता है अपना, स्ट्रेस इंटू एरिया। तो अभी हमने एरिया लिख लिया, स्ट्रेस से मल्टीप्लाई कर देते हैं एफ वाई। और आपको बताइए पार्शियल फैक्टर ऑफ सेफ्टी यील्डिंग में होती है 1.1, ये भी मैंने आपको बताया अपनी लास्ट वीडियो में, वहाँ पे भी देख सकते हैं आप, यहाँ समझ में नहीं आ रहा है तो। अब मैं इसमें बताऊंगा तो वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, इसलिए मैं इसमें बताना नहीं चाह रहा हूँ। और दूसरे में हो रहा है फ्रैक्चर, तो आपको पता ही है फ्रैक्चर जो होता है नेट एरिया में होता है, और दूसरा प्लेन जो है आपका टेंशन में है, तो ए टी एन, ठीक है। अब नेट एरिया में होती है अपनी फ्रैक्चर, तो उसमें अल्टीमेट लोड 0.9 एफ यू अपॉन 1.25। और ये मैंने आपको समझा रहा था अपनी बोल्टेड कनेक्शन में, जब डिज़ाइनिंग समझाई थी मैंने, उसमें बताया था आपको ये टॉपिक। तो नेट एरिया इंटू अल्टीमेट, क्योंकि फ्रैक्चर हो रहा है। तो अब यहाँ पे आप पॉज करके खुद बनाने का ट्राई कीजिएगा, दूसरा बहुत आसानी से बन जाएगा आपका।
तो इसमें क्या कॉम्बिनेशन बनेगा हमारा, इसमें कॉम्बिनेशन बनेगा कि हम मान रहे हैं इस प्लेन में फ्रैक्चर है, तो हमारा नेट एरिया में फ्रैक्चर होता है और ये शियर का प्लेन है AVN, ठीक है। अब नेट एरिया में हमारी यील्ड अल्टीमेट लोड लेते हैं हम बोल्ट्स के केस में, बोल्ट्स के हमने डिज़ाइनिंग पढ़ी थी उसमें देखा था Fu/√3 इंटू बोल्ट्स के लिए पार्शियल फैक्टर ऑफ सेफ्टी 1.25। तो इसमें टी टेंसाइल लोड होगा AVN, AVN मतलब AV हो गया अपना नेट एरिया, Fu हो गया अपना अल्टीमेट स्ट्रेंथ क्योंकि फ्रैक्चर में ले रहे हैं अपन, √3 हमारा वॉन मिसेस थ्योरी आपको पता ही है, Appendix 7 आप रेफर कर सकते हैं SK दुग्गल में अगर आपको वॉन मिसेस थ्योरी में कोई भी कन्फ्यूजन है तो। वैसे वॉन मिसेस थ्योरी में आपको छोटे में बता देता हूँ कि यही होती है कि अगर कोई भी प्लेन शेयर में फेल हो रहा है अगर उसमें यील्डिंग होती है तो उसमें स्ट्रेसेस जो जनरेट होंगे वो Fy/√3 होंगे, अगर वही प्लेन शेयर में फ्रैक्चर हो रहा है तो उसमें स्ट्रेसेस होंगे Fu/√3। तो वही चीज़ है, फ्रैक्चर हो रहा है Fu/√3 और 1.25 इज़ द फैक्टर ऑफ पार्शियल फैक्टर ऑफ सेफ्टी फॉर रेजिस्टेंस अगेंस्ट फ्रैक्चर, ठीक है। अब दूसरे में यील्डिंग हो रही है तो उसमें क्या लिखेंगे हम, टेंशन में है प्लेन पहली बात तो, उसमें जी लिखेंगे ग्रॉस एरिया में यील्डिंग होती है, यील्डिंग के लिए स्ट्रेस Fy और उसमें फैक्टर ऑफ सेफ्टी 1.1 अगेंस्ट द यील्डिंग, ये आपको पता ही है मैंने लास्ट वीडियोज में बताया है ये, और आपको ये तो पता ही है कि मिनिमम ऑफ T1 and T2 होती है ब्लॉक शियर स्ट्रेंथ, तो वही लिखा है मैंने ब्लॉक शियर स्ट्रेंथ इज इक्वल टू मिनिमम ऑफ T1 एंड। होप करता हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, सब कुछ समझ में आ गया होगा, फिर भी कोई दिक्कत है तो कमेंट्स में ज़रूर बताना मेरे को, मैं चाहूँगा कि आपके डाउट्स क्लियर कर सकूँ अगली वीडियो में जल्द से जल्द। तो बने रहिएगा चैनल पे, सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।